दोस्तों बॉलीवुड में खान्स के अलावा अगर किसी अभिनेता ने खुद को सुपरस्टार की पोजीशन पर पहुंचाया है तो वो अभिनेता अजय देवगन ही है, जिन्होंने कभी किसी फिल्म में सीरियस और एक्शन भरा किरदार निभाया तो कभी किसी में अपनी कॉमेडी और एंटरटेनिंग अंदाज से दर्शकों से तारीफें बटोरी, जिसके चलते अजय देवगन आज बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में शामिल किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, यूं तो अजय देवगन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कई फिल्में दी और अपने करियर को संवारा है, मगर आपसे पूछा जाए कि इनके करियर को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाली और इन्हें सुपरस्टार की पोजीशन पर पहुंचाने वाली कौन सी फिल्में हैं, तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं, अजय देवगन को सुपरस्टार बनाने वाली 5 फिल्मों से रूबरू करवाकर। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सिंघम। जी हाँ, अजय देवगन को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्मों में सबसे पहली फिल्म सिंघम है, जो कि साल 2010 में रिलीज की गई थी। बताते अजय देवगन की फिल्म काफी ईमानदार और निडर इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम पर आधारित होती है, जो कि अपने गांव में काफी हंसी खुशी से जीवन बिता रहा होता है। लेकिन अपनी ईमानदारी के चलते ही बाजीराव सिंघम एक करप्ट नेता जयकांत शिकरे के चैलेंज में फंस जाता है, जिसके बाद एक जाबाज और निडर अफसर की तरह बाजीराव सिंघम अपने हर एक फर्ज को निभाता है और जयकांत शिकरे को उसके गुनाहों की सजा भी देता है। फिल्म के इसी कैरेक्टर को अजय देवगन ने इतना बखूबी पर्दे पर निभाया था कि इनकी इमेज बॉलीवुड में एक्शन हीरो की ही बन गई और आज भी लोग उन्हें बॉलीवुड का सिंघम कहते हैं। नंबर 2, दृश्यम। अजय देवगन की एक्टिंग स्किल्स अगर किसी फिल्म में सबसे ज्यादा निखर कर आई तो वो फिल्म है दृश्यम, जिसमें इन्होंने विजय की भूमिका निभाई थी, जो कि एक कम पढ़ा लिखा मगर काफी इंटेलिजेंट आदमी होता है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर बड़े बड़े अफसरों को भी अपने आगे झुका डालता है। इस फिल्म की स्टोरी जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, उससे ज्यादा अजय देवगन ने अपने अभिनय से बनाया था, जिसकी वजह से फिल्म तो पर्दे पर काफी ज्यादा कामयाब रही। साथ ही इस फिल्म में देवगन की भी काफी जमकर तारीफें की गई थी। नंबर 3, कंपनी। अजय देवगन के करियर की बेस्ट फिल्मों में गिने जाने वाली फिल्म है साल 2002 में आई फिल्म कंपनी, जिसे राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनाया गया था। बता दें ये फिल्म मुंबई में अपराध की शहंशाहों पर आधारित थी, जहां चंदू और मलिक दो माफिया डॉन एक गैंग बनाते हैं, जिसमें मलिक की भूमिका निभाते हुए अजय देवगन ने अपनी जानदार आवाज और शानदार अभिनय से फिल्म को अलग ही लेवल पर पहुंचाया, जिसकी वजह से फिल्म की हर किसी ने खूब तारीफें करी और दर्शकों ने इस पर अपना जमकर प्यार बरसाया। तो वही अजय देवगन ने अपनी इस फिल्म के जरिए एक अलग ही फैन फॉलोइंग बटोर ली थी। नंबर 4, राजनीति। अजय देवगन के करियर की बेस्ट फिल्मों में शामिल होने वाली फिल्म है राजनीति, जिसे मॉडर्न इंडिया का महाभारत भी कहा जाता है। फिल्म में जहां प्रकाश झा ने अपने दमदार डायरेक्शन और राइटिंग का प्रदर्शन किया, तो वही अजय देवगन ने मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म में खास जगह बना ली थी, जिसके चलते इस फिल्म को देखने के बाद हर किसी के जुबा पर अजय देवगन की ही तारीफें थी और इसलिए राजनीति ने उनके करियर को एक अलग मोड़ दिया, जहां इस फिल्म के साथ न सिर्फ इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी बल्कि इस फिल्म से बॉलीवुड में इनका एक नया मुकाम भी तय हो गया। नंबर 5, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। अजय देवगन को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्मों में आखिरी नाम शामिल है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का, जिसमें इन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन सुल्तान मिर्जा की भूमिका निभाई थी, जिसका किरदार इन्होंने न सिर्फ अपने शानदार अभिनय के चलते पर्दे पर यादगार बनाया, बल्कि इस फिल्म में इनका कैरेक्टर दर्शकों के दिलों पर इस तरह छाप छोड़ गया कि अजय देवगन की तारीफें तो लोगों के जुबा पर थी ही, साथ इनके बोले गए जालों को भी लोगों ने सालों तक याद रखा। तो दोस्तों, इन सभी फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी अमेजिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।